बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी को लेकर कहा कि हाल ही में सर्वेक्षण करवाया गया है तथा इसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि यथाशीघ्र बाकी कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी करा दिया जाए। कब्रिस्तानों की प्राथमिकता डीएम और एसपी निर्धारित करते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधायक विधान पार्षद को ये अधिकृत किया गया है कि अगर वे चाहे तो इसके अंतर्गत उसकी घेराबंदी करा सकते हैं। ये जो कब्रिस्तान की घेराबंदी की योजना हम लोगों ने शुरू की, उसके पहले पूरे बिहार में इसका सर्वेक्षण गृह विभाग ने कराया और 8064 लगभग, यानी 8000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान का चयन किया गया और उसकी घेराबंदी का ही नियम बनाया गया और उसके लिए उसकी प्राथमिकता के लिए डीएम और एसपी को अधिकृत किया गया। वही दोनों तय करते हैं अगर किसी जिले में जिस कब्रिस्तान की घेराबंदी होनी है तो पहले किस कब्रिस्तान की घेराबंदी होगी। तो अभी जो कुछ भी चल रहा है वो 8064 कब्रिस्तान की घेराबंदी की योजना चल रही है। इसके अलावे आप और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं वो अलग विषय, या दरगाह की बात कर रहे हैं वो उसमें शामिल नहीं, लेकिन कब्रिस्तान की घेराबंदी का जो नियम है अब लगभग 75% के करीब घेराबंदी हो चुकी है और हमने अभी हाल में सर्वेक्षण किया है। इसमें हमने इसके लिए निर्देश दिया है कि यथाशीघ्र बाकी कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी करा दे और उन्हीं कब्रिस्तानों में से एक तो प्राथमिकता डीएम और एसपी निर्धारित करते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत माननीय विधायक को विधान पार्षद को ये अधिकृत किया गया है कि वो चाहे तो उसके अंतर्गत करा सकते हैं उसकी घेराबंदी, लेकिन उस कब्रिस्तान का उस सूची में शामिल होना जरूरी है 8064 में, उसके अलावे वाली बात नहीं। पहले इतने कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो जाए और उसका जो सर्वेक्षण हुआ है वो हर्च नहीं, ये गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। 8064 अब ये गलत सूची है, ये कब का सूची है, ये 6 से है, अब गलत है तो इसके बारे में तो आप लोगों ने कोई बात नहीं बताई है। कितने साल से ही चल रहा है ये, 12 साल से चल रहा और उसकी घेराबंदी हो रही और डीएम और एसपी को अधिकृत किया गया है कि अपने जिले में वो प्रायोरिटी तय करेंगे और उसके लिए फंड का एलोकेशन होता है, बजट से फंड का एलोकेशन है, वो किया जा रहा है। और मैंने कहा कि अभी जितने कब्रिस्तान को चिन्हित किया जा चुका है उसका शीघ्रातिशीघ्र कब्रिस्तान के कार्य को पूरा करने का अभी निर्देश हमने पुनः एक समीक्षा बैठक में हाल ही में दिया, यह बात हमने कही है। लेकिन इसके अलावे और कब्रिस्तान की घेराबंदी होनी चाहिए, इसके बारे में अगर आप लोगों का कोई विचार है तो इसको अलग से लिख करके देना चाहिए, उसके बारे में 8064 के बाद सोचा जा सकता है।